Good morning, everyone. Today we will do Baal poem by Joan Berryman. And in this poem, poet is talking about the situation when we lose something which we love and then learning to grow up. तो हम इसमें क्या सीखेंगे इस poem में? हमें poet सिखाना चाहता है कि जब हम किसी ऐसी वस्तु से प्यार करते हैं और वही वस्तु अगर हमसे दूर हो जाती है तो हमें कैसे ग्रो अप करना है. एक बच्चे और एक उसकी बोल के माध्यम से हमें ये सब कुछ पोइट जो है यहाँ पर हमें सिखाने वाले हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स क्या कहते हैं पोइट. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट व्हाट इज ही टू डू. अब नाउ इन दिस लाइन्स पोइट जो है वो बॉय के बारे में काफ़ी कंसर्न्ड है, उसके बारे में चिंता कर रहे हैं और पूछ रहे हैं अपने आप से कि वो लड़का कैसा है जिसकी बोल गुम हो गई है. और अब उसकी जो मेंटल स्टेट जो मेंटल सिचुएशन है, उसकी जो मानसिक स्थिति है वो कैसी है. आई सॉ इट गो मैरीली बाउंसिंग, मैंने इसे देखा जाते हुए मैरीली बाउंसिंग. बाउंसिंग होता है जंपिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे उछल कर जाते हुए. तो ऊपर नीचे उछल कर जाते हुए मैंने इसे देखा. डाउन द स्ट्रीट, गली के नीचे की ओर. एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वॉटर, और फिर आराम से उछलती कूदती हुई यह जो थी जाके पानी में गिर गई. तो यहाँ पर इट वर्ड जो है, इट किसके को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंटिंग द बॉल. एंड आई, आई किसके लिए आया है? आई आया है यहाँ पर पोइट के लिए. तो इस इन लाइन्स में जो बात है वो ये है कि बॉय है एक, और बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल इन द वॉटर एंड पोइट वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग देयर, ही इज वॉचिंग टू दैट बॉल. नाउ आर नेक्स्ट इज नाउ पोइट सेज, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉल. As he stands rigid, trembling, staring down all his day, young days into the harbor where his ball went. A poet कहता है, no use to say, ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं कि there are other balls, कि दूसरी balls भी हैं. क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि एक ultimate shaking grief ने लड़की को fix कर दिया है, बिल्कुल स्थिर बना दिया है. एज ही स्टैंड, जैसे कि वो स्टैंड हो गया है रिजिडली, बिल्कुल फिक्स होकर, बिल्कुल रिजिड होकर, एकदम स्टिफ होकर खड़ा है, कांप रहा है पूरे भय से, पूरे डर से और पूरे मतलब दुख से. स्टेरिंग डाउन, स्टेरिंग होता है बिना पलक झपकाए किसी को घूरते रहना, नीचे घूर रहा है. ऑल हिज यंग डेज, क्योंकि उसके सारे पुराने यंग डेज की जो मेमोरीज उस बॉल के साथ जुड़ी हुई थी वो उस बॉल के साथ ही हार्बर में चली गई है. हार्बर क्या होता है? बंदरगाह होती है जहाँ पर जहाजी बेड़े रुकते हैं. वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल गई. तो अब यहाँ पर जो इन दीज लाइन्स पोइट कहता है कि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, वो बिल्कुल एकदम से ग्रीफ में स्ट्रक है, फंसा हुआ है और उसे ये बात कहने का कोई. तो फिर क्या करेंगे पोइट? आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, पोइट कहता है कि मैं तो बिल्कुल इंट्रूड नहीं करूँगा. इंट्रूड करना मीन्स इंटरप्ट करना, किसी के बीच में अड़चन डालना. ए डाइंग अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ, He senses first responsibility. अब पोइट हमें कहते हैं कि ये डाइम, डाइम होता है करेंसी का नाम है, अमेरिकन करेंसी का नाम है. जैसे अपने यहाँ रुपया होता है, पैसा होता है, वैसे वहाँ पर डाइम होता है. तो 10 सेंट इसकी यूनिट होती है. 10 सेंट इज इक्वल टू 1 डाइम. अनदर बॉल, दूसरी बॉल इज वर्थलेस, वो बेकार है. उसको पैसे के बारे में बताऊँगी, भाई एक डाइम जिससे दूसरी बॉल आ जाएगी, वो ऐसा कहना उसके लिए बिल्कुल बेकार है. क्यों? बिकॉज ही senses फर्स्ट responsibility, क्योंकि अभी वह फील कर रहा है, वह फील करता है उसकी पहली जिम्मेदारी. ये बोल उसकी जिम्मेदारी थी, उसे जिम्मेदारी से खेलना चाहिए था, उसे अपनी बोल का ध्यान रखना चाहिए था, बट ही फेल्ड टू टेक केयर ऑफ दैट. तो अब वो कैसा फील कर रहा है, उसे वो फील करने देना चाहिए. क्यों? इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, पोइट कहता है इस पोजिशन के संसार में जहाँ हम बहुत सारी चीज़ों को ओन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के मालिक बनते हैं, पीपल विल टेक बॉल्स, पीपल विल टेक बॉल्स,
लोग जो हैं बॉल्स लेते हैं, यहाँ पर जो बॉल्स हैं ये सभी चीज़ों के लिए है, सभी रिश्तों के लिए है कि लोग जो हैं वो अलग अलग रिश्ते अपनाते हैं, अलग अलग चीज़ों को ऑन करते हैं और वो चीज़ें उनसे दूर भी हो जाती हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ड, तो बॉल्स और द थिंग्स या पर्सन्स जिनसे वो अटैच हुए हैं वो कभी ना कभी लॉस्ड हमेशा होंगी। लिटिल बॉय को समझाता है कि बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज द लिटिल बॉय, नो वन बाय ए बॉल बैग, और कोई उस उन चीज़ों को, लॉस्ट हुई चीज़ों को या लॉस्ट हुए रिश्तों को या लॉस्ट हुए लोगों को दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकता। सपोज हमारा कोई डियर वन है वो हमसे दूर हो गया है तो हम उसे दोबारा नहीं मिल सकते, दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते उसको। मनी इज एक्सटर्नल, पैसे से हम, सॉरी, मनी इज एक्सटर्नल, पैसा एक बाहरी वस्तु है, उससे इंटरनल फीलिंग्स नहीं खरीदी जा सकती किसी चीज से जुड़ी हुई। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्पेरेट आइज, और पोएट हमें बताता है कि यहाँ पर जो ये लड़का है ही है वो सीख रहा है बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी उदास आंखों के पीछे द एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, लॉस के सिद्धांत को, लॉस की साइंस को सीख रहा है कि लॉस अगर हो जाए हमें तो उसको कैसे बियर करना है, उसमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उसको भूलकर आगे बढ़ना है, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरीवन मस्ट वन डे नो, और वो सीख रहा है कि कैसे स्टैंड अप किया जाए, कैसे डियर किया जाए, यह जानते हुए जो एवरी मैन एवरी वन मस्ट वन डे नो, अवश्य ही एक दिन जान लेता है, उसी नॉलेज को, उसी यूनिवर्सल नॉलेज को अभी ये लड़का छोटी सी उम्र में जान रहा है। तो पोएट इस